वेलकम टू सुरेश अग्रवाल्स रीजनिंग मंत्रा। आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं फाइव मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फाइंडिंग द ऑड वन आउट। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी और वीडियोस मिलें जिसमें कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हों या फिर कंसेप्ट डिस्कस किए गए हों जिसके हेल्प से आप रीजनिंग के क्वेश्चंस को आसानी से क्रैक कर पाए इन ऑल द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वेयर यू गेट रीजनिंग एज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, यू कैन विजिट आवर वेबसाइट suresh-agarwal.in फॉर फ्री वीडियोज एज वेल एज PDF डाउनलोड्स। यू कैन ऑल्सो विजिट आवर ऐप, यू कैन डाउनलोड आवर ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। द नेम ऑफ द ऐप इज लर्निंग लूप। इस ऐप पर मिलेंगे आपको वीडियो कोर्सेज, साथ में आप परचेज कर सकते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की हमारी ई बुक अलॉन्ग विद रीजनिंग कोर्स जो कि है बहुत 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 ही ज्यादा अमेजिंग। So let's have a look at the first question now. Three of the following four words are alike in a certain way and one is different. Find the odd one out. तो यहां पर आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर चार वर्ड्स दिए गए हैं, गार्डनिंग, टेलर, ब्लैकस्मिथ एंड कारपेंटर। विच इज द odd one out? कारपेंटर, ब्लैकस्मिथ एंड टेलर, ये तीनों ही पर्सन है, दे आर पीपल who are doing a particular job, but gardening is an action, ये एक activity है, तो odd one out क्या हो गया? Gardening, so gardening is the odd one out here. In the second question, three of the following four words are alike in a certain way and one is different, find the odd one out. अब इसमें हमें फिर से चार words दिए गए हैं, weep, jealousy, angry and sad. तो क्या आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि इसमें से ऑड वन आउट कौन सा है? सैड, एंग्री एंड जेलस, ये तीनों ही फीलिंग्स हैं, दीज आर थ्री फीलिंग्स। वेयर एज वीप यानी कि रोना इज एन एक्शन वर्ड, इट इज अ वर्ब, तो इसीलिए यहां पर ऑड वन आउट हो जाएगा वीप। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज थ्री ऑफ द फॉलोइंग फोर लेटर्स आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड वन इज डिफरेंट, पिक द ऑड वन आउट। तो इन चार लेटर्स यानी कि यू, आई, ई और वी, इनमें से क्या है ऑड वन आउट? वॉवल्स तो आप जानते ही हैं, ए, ई, आई, ओ एंड यू, दीज आर द वॉवल्स। तो क्या आप इसमें देख पा रहे हैं कि तीन जो हैं यू, आई और ई, ये तीनों वॉवल्स की कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, बट वी इज नॉट अ वॉवल, सो दैट इज द ऑड वन आउट ओवर हियर। इन द फोर्थ क्वेश्चन अगेन थ्री ऑफ द फॉलोइंग फोर वर्ड्स आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड वन इज डिफरेंट, कौन से वाला है जो यहां पर आपको ऑड वन आउट दिखाई दे रहा है? स्टेशनरी, इरेजर, पेन, पेपर। स्टेशनरी एक कैटेगरी है जिसको इरेजर, पेन और पेपर जिस कैटेगरी में हम प्लेस कर सकते हैं, सो दीज आर ऑब्जेक्ट्स, इरेजर, पेन एंड पेपर, दीज आर ऑब्जेक्ट्स, बट स्टेशनरी इज अ ग्रुप टू विच दीज ऑब्जेक्ट्स दे belong, so it is going to be the odd one out over here. Last question जो हमारा है, three of the following four word pairs are alike in a certain way and one is different. Find the odd one out. अब यहाँ पर चार आपको pairs दिए गए हैं words के, इसमें से आपने identify करना है कि odd pair कौन से वाला है। Carpenter saw के साथ काम करता है, बिल्कुल ठीक है, saw is the instrument which the carpenter uses to carry out his work. A warrior fights with a sword, तलवार के साथ एक warrior जो है वो fight करता है. Author writes with his pen, तो author का जो tool है वो pen हो जाता है. But a mason doesn't build a building with a knife. Mason कौन होता है? Mason होता है जो buildings बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं मिस्त्री है या जो मजदूर है, जो बिल्डिंग्स को बनाने का काम करता है उसको मेसन कहते हैं। क्या वो नाइफ से काम करता है? जी नहीं, वो नाइफ से काम नहीं करता है। सो द ऑड वन आउट हियर इज ऑप्शन नंबर फोर, मेसन एंड नाइफ। तो ऐसे और क्वेश्चंस के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए प्लस कंसेप्ट्स के लिए आप हमारे इसी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और हमारा एक और चैनल है सुरेश अग्रवाल्स मैथमेटिक्स शॉर्टकट्स, जहां पर आपको मिलेंगे बहुत बहुत सारे मैथमेटिकल स्किल्स डेवलप करने का मौका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जल्दी से हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपने ये वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक भी जरूर कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।